हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट नेट ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज का जो मेरा लेसन है वो है मेरा जेस्ट 2019 में जो पूछा गया है, क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ पे जो क्वेश्चन है उस पे पूछा गया है। तो आज मैं उसी क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा अनअकैडमी में एक नया कोर्स आया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। तो आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप उसे यहाँ से क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करके भी आप उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल है कि आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ओसिलेटर इज इन द स्टेट। आपके पास केट साई की वैल्यू दी हुई है और केट का जो टर्म है वो आपका कुछ इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, और n को नॉर्मलाइज्ड आइजन स्टेट विथ आइजन वैल्यू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हैमिल्टोनियन की वो आपकी दी हुई है 1/2 अल्फा एच कट ओमेगा, और आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कही गई है। ओके गाइस, क्लियर है? तो n पे आप जब हैमिल्टोनियन को लगा रहे हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सो आइजन वैल्यू ये मिल रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि जेस्ट का क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं होता है भाई। आई होप कि ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे वीडियो को देखें पूरा कंप्लीट कि मैं कैसे करके इसे सॉल्व करता हूँ। ओके गाइस, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं थोड़ा यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गिवन डेटा है वो डेटा आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये डेटा आपके पास है। केट साई की जो वैल्यू दी हुई है, समेशन एन इज इक्वल टू 0/1/√n फैक्टोरियल, और यहाँ से आपके पास दी, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर कर देता हूँ, 1/√n फैक्टोरियल, ये केट एन, और एच को जब केट एन पे ऑपरेट करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। ओके, देन यहाँ से एच की जो वैल्यू है 1/2 ये दी हुई है, तो आपको केट साई की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो देखिए ध्यान से मैं इसे कैसे करके करता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, मैं थोड़ा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। केट साई की वैल्यू दी हुई, इसको एन इक्वल टू 0 से एक्सपेंड किया तो 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल केट 1, उसी तरह 1/√2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 1/√3 फैक्टोरियल, इस तरह करके चल रहा है। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाता है। अब ये जो है ये टर्मोलॉजी आ गया। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूँ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वो 1 क्यों होती है? 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 0 फैक्टोरियल 0 क्यों होती है, उसका आप वैल्यू मुझे बताइए। तो सबसे पहले आपके पास है कि केट साई की एच की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो ऊपर है न्यूमरेटर वाला टर्म है, जो केट साई एच और साई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, तो उसको कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, मैं सारा इरेज कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, पहले मैंने केट साई की जो ब्रांड नोटेशन होती है उसको लिखा, फिर एच को ऑपरेट के इस पे। अब मैं एक एक करके इस पे ऑपरेट करता हूँ, इसको मैं इस पे लगाता हूँ, इसको मैं इस पे लगाता हूँ, इसको मैं इस पे लगाता, एक एक करके ऑपरेट करूँगा। तो ध्यान से देखिए कि जब मैं इसको इस पे ऑपरेट करता हूँ, जब h को मैं 0 पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, n प्लस हाफ h कट ओमेगा होगा। तो यहाँ 0 प्लस हाफ, यानी ये होने वाला है आपका h कट ओमेगा बाय 2। ओके गाइस, क्लियर है? फिर मैं आपको क्या करता हूँ कि ध्यान से देखिए, अगला जो था 1 पे ऑपरेट कर रहा, किस पे कर रहे हैं, 1 पे। तो h को जब 1 पे ऑपरेट करेगा तो n की वैल्यू 1, यानी हो जाएगा 3/2 एच कट ओमेगा। उसी तरह 2 पे ऑपरेट करेंगे तो 5/2 हो जाने वाला है। क्लियर है गाइस कैसे हो जा रहा है? फिर देखिए, तो इसको मैं इस तरह करके ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर जैसे ही यहाँ से सारे वैल्यूज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहला है कि मैंने यहाँ से इसको ऑपरेट, सबसे मैंने एच कट ओमेगा को कॉमन निकाल दिया, तो ये टर्म आपके पास बची। उसके बाद एक एक करके इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 को 0 के साथ, जो नोटेशन आपको पता है कि n इंटू एन जो होता है, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जो इनका सिंपली होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो सिंपली नॉर्मल वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। फिर इसको इस पे ऑपरेट किया तो 3, इसको इस पे ऑपरेट किया तो 5 हो गया, और यहाँ नीचे √2 फैक्टोरियल हो गया। उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसको 7/3 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए ध्यान से कि मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 का 1 हो गया, 3 का तो उसको 2 into 1 + 1 लिख सकते हैं, 5 को 2 into 2 + 1/2 फैक्टोरियल, 7 को 2 into 3 + 1/1 फैक्टोरियल। क्लियर है गाइस? अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ से कि आपके पास जो सबसे पहला वैल्यू था, इसको काट देते हैं, 5 को लिख सक रहे थे आप 2 into 2 + 1 लिख रहे थे, और इसके नीचे था 2 फैक्टोरियल।
तो आप इसके नीचे टू फैक्टर, अब क्या करते हैं इसको एक बार इसके साथ सेपरेट करते हैं, इसको एक बार इसके साथ, यानी टू इंटू टू बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल। क्लियर है गाइज? उसके बाद देखिए अगला जो है, फिर जैसे था सेवन को था, तो सेवन को क्या लिखे थे, टू इंटू थ्री प्लस वन, और नीचे था थ्री फैक्टोरियल, तो ठीक इसी तरह थ्री फैक्टोरियल यहाँ सेपरेट और थ्री फैक्टोरियल यहाँ एक बार सेपरेट हो जाएगा। ओके गाइज क्लियर है? तो ठीक मैंने इसको यहाँ पर भी उसी तरह ऑपरेट किया है। अब देखिए जब मैंने इसको यहाँ ऑपरेट किया तो सारे जो टू के टर्म, थ्री को भी देखिए यहाँ मैंने यहाँ थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ, थ्री को मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो उसको भी लिखा टू इंटू वन प्लस वन, तो पहला जो टू का टर्म था सारे टू के टर्म को कॉमन निकाल दिया, तो वन प्लस टू इंटू वन प्लस टू बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, और उसके बाद वन जो बाकी जो रेस्ट ऑफ टर्म है फैक्टोरियल वाले सिंपली वन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल, इसको भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये सारे टर्म्स को मैंने कलेक्ट किया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब इतना फैक्टोरियल होता है। जैसे आप एक्स की वैल्यू को वन सब्सटीट्यूएट करते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल। तो आपने इसको वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूएट करना, देखिए ध्यान से, इसमें जब इसको ऐड किए तो यानी ये हो गया वन प्लस वन फैक्टोरियल, यानी ये टर्म हो गया ई, और इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e माइनस वन, क्योंकि आपको पता है कि वन प्लस इतना तो e माइनस वन हो जाएगा, लेकिन वन को आप नेग्लेक्ट करके चलेंगे तभी उन दोनों के बीच बीच के हम कोई रिलेशन फाइंड आउट करें, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि e माइनस वन को आप e पे लिख के चलते हैं। ओके गाइज क्लियर है? देखिए तो यहाँ से मैं थोड़ा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से टू ई प्लस ई हो जाएगा, तो यानी थ्री ई हो गया, यानी पहले वाले ऊपर वाले जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकालो उसमें ऊपर न्यूमरेटर टर्म की वैल्यू हो गई एच कट ओमेगा बाई टू इंटू थ्री। सिमिलरली जब एच यहाँ दोनों का, अब इन दोनों के केट्स ब्रास आई और केट्स आई की वैल्यू को आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया उसकी पूरी वैल्यू को लिखे, पूरी वैल्यू को आप सिंपली जीरो को जीरो को वन को वन से टू को टू से किया तो ये टर्म आ गया और इसके वैल्यू में आपको ये हो गया। अब सिंपली आपका अगला तो आपको पता है क्या करना होता है, अब दोनों की वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू को रख दिया है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, तो आपके पास आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर वैल्यू को रखा, डिनोमिनेटर वैल्यू तो ई और ई कैंसिल हो गया, यहाँ एच कट ओमेगा बाई टू, लेकिन इसकी वैल्यू जो दी हुई थी अल्फा एच कट ओमेगा बाई टू, तो यहाँ से एच कट ओमेगा बाई टू कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई। क्लियर है गाइस? तो ये सिंपल एक क्वेश्चन था, जेस्ट का क्वेश्चन है, आप इसको खुद से एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं और आसानी से थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। थैंक यू।